मंडी में सायर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सायर त्योहार पर लोगों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस सायर पूजा में अखरोट, धान, मक्की, खट्टा आदि विशेष तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। सायर उत्सव में अखरोट का विशेष महत्व रहता है। अखरोट के साथ खेलने के अलावा इसकी पूजा भी की जाती है। सायर के लिए मंडी के सेरी मंच पर अखरोट की मंडी सज गई है। इसमें हर प्रकार के अखरोट के अलावा अन्य ड्राई फ्रूट भी बिक रहा है। बाजार में अखरोट के दाम 300 से लेकर 600 रुपए सैकड़ा है। कहना है व्यापारियों का, सुने विस्तार से। नमस्कार जी, मेरा नाम छिजुराम है। मैं बैला पंचायत से हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी बोर ब्लॉक से। हम जो अब 14 साल से काम को करते हैं और हमारे पास हर एक चीज़ की आइटम होती है। बादामी है, कागजी है, जैसे ये बुरज अखरोट है, मतलब त्यौहार के लिए। इस बार 10 लाख खोड़ लगते हैं हर साल। इस बार खोड़ कम से कम 4-5 लाख डोनी है। इस बार जो है, इस बार की सैर बहुत तेज रहेगी। तो अभी तो 400 रुपये है जी, जब 2 दिन के बाद आएगा तो 400 वाला 600 में बिकेगा। ये फ्लिप्स की गारंटी है, 400 से 600 सीधा डायरेक्ट जाएगा। इस बार माल है नहीं, 10 लाख के करीब यहाँ माल लगता था, है ही नहीं, माल ही नहीं है। इस बार महंगा बिकेगा। इस बार की सैर बहुत अच्छी रहेगी, व्यापारी लोगों को लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मेरा नाम भाई संजय है, हम मनीगंज साहिब से आए हैं जी। और जो अखरोट लेके आए हम, वो जम्मू कश्मीर का लेके आए हैं जी। इस बार हम अखरोट के साथ मिक्स में मिक्स ड्राई फ्रूट, एप्रिकॉट्स, शिलाजीत और केसर और एप्रिकॉट्स का तेल लेके आए हैं जी। जो प्राइस होगा इस बार अखरोटों का, वो प्राइस चला है सर 400, 500, 600, 700 रुपये सैकड़े तक चला है सर। सर जो कागजी बिल्कुल हल्के साल्ट का होता जी, उसका रेट जो चला है वो 700 रुपये जी। जो थोड़ा होगा होगा कागजी, पर उसका रेट 500 रुपये जी, जो साइज़ के हिसाब से है जी। पर हर साल आते हैं जी, 2018 के बाद हम हर साल आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखरोट से नाम की हमारी शॉप भी है। ओमचंद है, गांव बुंगा से है, डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं। और अभी जो हम लाइव जो है सेरी मंच से जुड़े हैं। ये अखरोट जो है शायर के लिए बिकता है सबसे ज़्यादा, जैसे कि जो मॉनसून होता है, मॉनसून से बचने के लिए जो है हमारे गांव में एक ध्रुव की परंपरा चली है। ध्रुव के माध्यम से इसकी बिक्री भी उसी वजह से होती है। अखरोट की जो सब्जी मंडी सजती है वो इसलिए ही सजती है शायर के लिए। अदरवाइज़ जिसके अब बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट में लोग ले रहे हैं इसको, इसको खाने के कई जो बेनिफिट्स है। और जो मेन जो हमारा जो परंपरा चली है वो चली है शायर के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि मंडी सज चुकी है पूरी तरीके से, ग्राहक भी काफ़ी आए हैं। और इस बार जो है सब्जी मंडी की मेरे को अपेक्षा है कि पहले से ज़्यादा ही बेहतर सजी हुई है। जो मेन जो रहता है आपका साजे से 2 दिन पहले ही रहता है, इसके बारे में हम आपको 2 या 3 दिन के बाद ही बता सकते हैं कि किस प्रकार की मंडी रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है भीड़ को देख के कि इस बार सब्जी मंडी अच्छी ही रहेगी। बुज़ुर्गों की कहावत है कि जब बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, फसलों और मनुष्य को किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं होता है, तो सायर पर्व को मनाया जाता है। सायर के दिन लोग एक दूसरे को अखरोट देते हैं और बच्चे मिलकर अखरोट का खेल खेलते हैं। डीसी मंडी पूर्व देवगन ने सायर उत्सव के उपलक्ष्य पर 16 सितंबर को मंडी जिला में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।